हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के न्यू वीडियो के साथ। दोनों भाई बैक अगेन। आज वीडियो बना लिए कुछ अलग। खान सर के ऊपर पाकिस्तान को कर रहा रोस्ट करा है, मतलब रोस्ट नहीं, ठग लाइफ है इनकी। देखते हैं कैसी रहती है ठग लाइफ आजकल इनकी वीडियो, और भी देखता है। तो आज एक नया ट्राई किया गाइस। तो अगर आई होप आपको रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। टीचर है क्या? टीचर है, कुछ मस्त तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को, अपने स्टूडेंटों को। तो देखते हैं गाइस कैसा है कैसा नहीं, ठग लाइफ है ये। आई होप आपको रिएक्शन अच्छा लगे, लगे तो पूरा एंड तक वॉच करना, तब बताना कैसा लगा, ठीक है। स्टार्ट। फुल फ्लेजेड एक बड़े पैमाने पर वार होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसका सबसे बड़ा कारण बनेगा आतंकवाद। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता ही है, इनके आतंकवाद बहुत भयानक लेवल पे है। इन लोग को लगता है कि पूरी दुनिया में फतह करेंगे लुंगी पहन के। यहाँ पर पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पर गाड़ी मार लिया, और पाकिस्तान के लोग को हमारे बात बुरा लगता है। कुछ तो हिंदुस्तान के लोग को हमारी बात बुरी लग जाती है कि अरे भाई आपको बुरा लगता है तो लगे, क्योंकि हमको अपना देश पसंद है और बेबी को बेस पसंद है। देखिए पाकिस्तान के 90% लोगों को, 90% लोगों को लगता है कि भारत से युद्ध होगा तो ये लोग जीत जाएंगे। 90% केवल 10% लोगों को लगता है कि वो पाकिस्तान वो हार जाएंगे। और वो 10% जानते हैं कौन है? पाकिस्तान की फौज है। बस इनके फौज को ही लगता है कि ये लड़ाई में हार जाएंगे, बाकी इनकी जनता तो दूसरी दुनिया में जीत रही है। इन्हें लगता है गजवाए हिंद, हिंदुस्तान कोई बर्थडे का केक है, आएंगे काट के छल जाएंगे, गजवाए हिंद। अरे इतना थूरेंगे लोग ना थोड़ा पाकिस्तान को कि हम लोग पूरा पाकिस्तान को भगवाए हिंद करके रख, गजवाए हिंद करने चले। अरे यार समझाए कि इतना सपना दिन में मत देखा करो। और हिजड़े कितना भी सपना देखना, हिजड़े कभी बाप नहीं बन सकते। कहते हैं जस करनी तस भोग ही पावा। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पाल पोस के बड़ा किया, आज इनको समझ में आता है इन आतंकवादी पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया। खैर अल्लाह इन आतंकवादियों पर रहम करे, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी तो इन्हें रहम करने वाली है नहीं। इन लोगों को लगता है कि ये किसी मासूम को बम फोड़ के मार देंगे, किसी होटल में ट्रेन में बम फोड़ देंगे तो इन्हें अल्लाह माफ़ करेगा और जन्नत देगा। देखिए आतंकवादियों को माफ़ करना या ना करना ये अल्लाह का काम है, लेकिन आतंकवादियों को अल्लाह तक पहुँचा देना ये दे दिया। तो हम लोग को पीओके को वापस लाने का यही एक अच्छा बहाना हो जाएगा। तुम आतंकवादी हमला करो, हम लोग इधर से पलट के कर देंगे। अब अमित शाह के लिए तो भैया खुशी का कोई ठिकाना नहीं, 2024 के चुनावी मैनिफेस्टो में कर देंगे कि एकदम इस बार हम लोग लेके आएंगे पीओके। अच्छा बात है भैया, हमारा जो टुकड़ा हुआ भारत है अखंड भारत बन जाए, ऐसे कोई अजुराते रहे हम लोग थूर थार के बराबर कर देंगे। कौन सा डर लगा हुआ है हम लोग को अखंड भारत? हम भी चाहते हैं भैया भारत अखंड हो जाए। हम कहां से कहां तक चालू होते थे यहां पर। सलमान खान एकदम खुश है, ये क्या लिए खुश है? करा कि भैया मेरा एक तो मूवी था बहुत हिट कर गया, एक था टाइगर, अब 2024 में एक तो मूवी बनाने जा रहा है। इसको क्या लगता है भाई साहब, सलमान भाई, बजरंगी भैया, इनका क्या सोचना है कि भैया 24-25 में जब पाकिस्तानी हमला करेगा तो भारत के हमले में पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, तो एक मूवी बनाना चाहते हैं। एक था टाइगर नहीं, एक था पाकिस्तान। बहुत अच्छा, हम भी देखेंगे, चलेगा बहुत अच्छा मूवी। आप मत रोइए, मत रोइए। देखिए आप यूएन के 3 से 4 साल बाद पाकिस्तान के पास एक वाटर क्राइसिस आ जाएगा, यहाँ पे पानी की एक बहुत बड़ी समस्या आएगी। देखिए पाकिस्तान का जो सिंध और पंजाब वाला एरिया है ना, बस यही ठीक है, लेकिन उधर खैबर पश्तूनवा हो गया या फिर बलूचिस्तान हो गया, वहाँ पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। तो पानी की इतनी भयानक समस्या आने वाला है, अब इन लोग को पता ही नहीं है। इन लोग अभी दूसरे दुनिया में जी रहे हैं। इनको कहना है कि कश्मीर में वापस 370 लगाए जाए। भैया कौन दुनिया कौन सा नशा करता है, इस विषय को नहीं समझ में आता कैसे तुरा काला से 370 वापस हो जाएगा। कहते हैं जस करनी तस भोग ही पावा। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पाल पोस के बड़ा किया, आज इनको समझ में आता है इन आतंकवादी पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया। खैर अल्लाह इन आतंकवादियों पर रहम करे, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी तो इन्हें रहम करने वाली है। इन लोग को लगता है कि किसी मासूम को बम फोड़ के मार देंगे, किसी होटल में ट्रेन में बम फोड़ देंगे तो इन्हें अल्लाह माफ करेगा और जन्नत देगा। देखिए करना ये अल्लाह का काम है, लेकिन आतंकवादियों को अल्लाह तक पहुंचा देना ये हमारी इंडियन आर्मी का काम है। हमारी इंडियन आर्मी इन लोग को इनके मुकाम तक पहुंचाती है।
खैर अब क्या कीजिएगा, इन लोग को समझ में नहीं आता, पता नहीं कौन इन लोग को पढ़ा देता है कि किसी होटल में जाके आप मार दीजिएगा, मासूम बच्चों को बम से उड़ा दीजिएगा, गोली मार दीजिएगा, रेलवे स्टेशन पे जाके बस स्टैंड पर फोड़ के, तो इन्हें जन्नत मिलेगा, और जन्नत में इनको 70-70 तो हूर मिलेगी, परी हूर परी मिलेगी। जब हाल है ससुर, इन सब का मेंटेलिटी देखो, सोचते हैं कि मरने के बाद शांति मिलेगा, ये सब ससुरा दुनियादारी बहुत खराब चीज है, ये ससुरा मरने के बाद तो सोचता है घूमो एकदम ठर तो 70 को का व्यवस्था सोच के कौन बात है, ये पता है इसको कोई चढ़ा दिया कि इसको 70 हूर मिलेगी, सब जाके बम फोड़ दिया ताज होटल में, इसको क्या हाल हुआ होगा, चिथड़ा हो गया इसको। तो हाँ जी गाइस, वीडियो इज ओवर, बढ़िया था, डग लाइफ थी, आज पहली बार देखी यार, अभी तो मैंने ऐसी उठा के देख ली थी, अब अच्छी लगी और रिस्पांस अच्छा रहा, तो कोई कर रही थी ढूंढता हूँ रिएक्शन, आई होगा कोई अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक वगैरह कर देना, बैंड बजा दी बंदे ने, सब पूरे पाकिस्तान का था वॉइस बंदे से, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बातों में एक अलग ही सस्पेंस टाइप की बात होगी, भी दोनों की होगी, पाकिस्तान वालों की भी होगी और इसकी दोनों की बहस होगी, मतलब केची होगी उन्होंने, हाँ एक दूसरे, हाँ वो होता हुआ इसकी माँ भी इज्जत होती होगी, मतलब हेट है, नाम अच्छा कमा रखा है उन्होंने हिंदुस्तान में, खान भाई ने अपने कर रहा है, बढ़िया बात बोलते हैं उनको, जो जिसके लाइक हो गया सही है पाकिस्तान, सही है, ठीक है। तो भाई वीडियो एंड करते हैं, अच्छा लगा हो तो रिएक्शन लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बता देना अगर इस पर कोई दूसरा तीसरा पार्ट चाहिए हो तो उसको बना देंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।